गुरुद्वारों के चुनाव जारी हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के नेता कालका जी से जो चुनाव लड़ रहे हैं हम बात करेंगे इनसे। नेता जी क्या कहेंगे आज अपने अभी अपना वोट भी डाला है? देखो आज जो लोगों का रुझान बना हुआ है, लोगों ने एक मन बना रखा है कि श्रोमणी अकाली दल की समूची टीम को वोट डालने का। आज दिल्ली के अंदर हर बूथ पर चले जाओ, वहाँ पर जैसे लोगों के अंदर जोश है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में इस टीम ने काम किया और इस टीम ने जो अपने पंथ की राखी के लिए जहाँ पर स्टैंड लिया वो किसी ने आज तक नहीं लिया पिछले 50 सालों में। सो आज लोग पूरा मन बना के एक तरफा वोट डालने आ रहे हैं। जो आप लोगों ने मुद्दे बनाए थे वो तो उत्साह किस तरीके से मतदाताओं का देखा जा रहा है? मुद्दे नहीं है हमारे, वो सेवाएं हैं जो पिछले 2 सालों से हमने की हैं, वो सेवाओं को लेकर हमने जो लोगों को बताया और लोगों को भी बताया उसको बार उनको दोबारा याद दिलवाया। और अभी आगे की जो हमने बताई है कि जो हम पॉलिसीज लेके आएंगे, चाहे एजुकेशन को लेके हो चाहे हमारी मेडिकल लाइन को, उस पर लोग विश्वास करते हैं और लोग इसीलिए आज एक तरफ वोट डालने जा रहे हैं। मतदाताओं से क्या अपील कर? मतदाताओं से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आके वोट डालें, और क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, लोग मनाते भी हैं और जहाँ पर त्यौहार मनाना भी जरूरी है, ये भी सबसे बड़ी उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या कहेंगे इस बार जो मत प्रतिशत है चुनाव का वो बढ़ेगा? देखो बड़े नहीं तो घटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि त्यौहार के दिन भी होने की वजह से, 3 छुट्टियां इकट्ठी होने की वजह से लोग कहीं बाहर भी चले जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। मतदाताओं से कुछ बात हुई हमारी, उनका कहना है कि इस बार चुनाव थोड़ा देर से हो रहा है, 4 साल पे होता है। नहीं, 4 साल का टर्नओवर होता है, 4 साल बाद हो रहा है, बिल्कुल देर से नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं ये प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि मतदाता उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, ETV भारत, दिल्ली।